पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे एक कंजूस सेठ अपने मित्रों के साथ पार्क में बैठा था। तो जब वो लोग पार्क में बैठ के बात कर रहे थे तो उनके कुछ मित्रों ने उस सेठ को बोला कि आप एक कलाकार से चित्र बनवा लो। तो वहाँ पे वो मना नहीं कर पाया, इसीलिए वहाँ चित्र बनाने के लिए तैयार हो गया। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि चित्र बनाने के बाद कंजूस सेठ उसको कैसे पे करता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो कलाकार ने उस कंजूस सेठ का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही चित्रकार चित्र बनाना खत्म कर रहा होता है तो सेठ को ये रियलाइज होता है कि यहाँ तो 100 गोल्ड कॉइन्स यानी कि 100 मुद्रा मांगता है, लेकिन मैं इतना पैसा नहीं निकाल सकता। तो उसने क्या किया, एक ही क्षण में अपना चेहरा बदल लिया, क्योंकि यहाँ पे सेठ जो था वो भी कोई कलाकार से कम नहीं था। रूप बदलने में उसका कलाकारी जो था वो अति अच्छा था। तो इसीलिए कंजूस सेठ ने क्या किया, अपना रूप है वो बदल लिया। तो उसके बाद जब चित्रकार ने उसका चित्र जब खत्म कर दिया तो वहाँ सेठ के पास जा पहुँचा। तो वहाँ पे कलाकार जब सेठ को उसका चित्र देता है तो कंजूस सेठ बोलता है कि यहाँ चित्र जो है वो मेरे चेहरे से ज़रा भी नहीं मिलता, ये कैसा चित्र बनाया है तुमने। तो ये सुन के कलाकार शॉक हो जाता है। उसके बाद कलाकार वो चित्र को देखता है और सेठ का मुंह देखता है तो वो सोचता है कि हाँ, ये सेठ सच बोल रहा है, यहाँ चेहरा तो ज़रा भी नहीं मिलता। तो उसके बाद चित्रकार को अपने आप में एक कंफ्यूजन सा जाग जाता है कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, शायद इस बार गलती हो गई। तो यह चीज़ वो सेठ को बोलता है। तो सेठ उसे क्या बोलता है, इस चित्र को मैं एक भी मुद्रा नहीं दूंगा, बोल के चित्रकार को हटा देता है। तो वहाँ पे चित्रकार जो है सेठ का चेहरा ना मिलाने के कारण वो क्या करता है, दुखी से बिना मुद्रा लिए वहाँ से चला जाता है। तो अगले वीडियो में देखेंगे कि कलाकार अगले दिन क्या करता है उस सेठ से पैसा निकलवाने के लिए।